नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन में कई सवाल उठाएगी और साथ ही उनके गहरे जवाब भी देगी। इस कहानी में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से तीन विशेष प्रश्न पूछती हैं, जिनके उत्तर हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पहला सवाल, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा सवाल, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिल पाता? और तीसरा सवाल, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के कहने पर भी उसे कभी नहीं देती? इन तीन सवालों के जवाब भगवान विष्णु एक दिलचस्प कथा के माध्यम से देते हैं, जो हमें सच्चे प्रेम, निष्ठा और पतिव्रता धर्म का गूढ़ अर्थ समझाती है। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा संदेश जो हर रिश्ते की गहराई को उजागर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा का सफर। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी, जो साक्षात धन और वैभव की देवी मानी जाती है, भगवान विष्णु के पास गईं। उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे और वे उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। भगवान विष्णु उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हे लक्ष्मी, आज अचानक तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा प्रश्न आ गया है कि तुम इतनी व्याकुल प्रतीत हो रही हो? माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, जब मैं स्वर्ग से मृत्युलोक की ओर जा रही थी, तब मैंने वहाँ एक दृश्य देखा जिसने मुझे अत्यधिक विचलित कर दिया। मैंने देखा कि तीन स्त्रियाँ, जो बहुत ही घनिष्ठ सहेलियाँ थी, उनमें से दो स्त्रियाँ विधवा हो चुकी थी और बहुत ही दुखी एवं कष्टपूर्ण जीवन जी रही थी। वहीं तीसरी स्त्री अपने पति के साथ प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिता रही थी। यह देखकर मेरे मन में तीन प्रश्न उठे। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ स्त्रियाँ समय से पहले विधवा हो जाती हैं, जबकि कुछ स्त्रियाँ अपने पति के साथ जीवन भर सुखी रहती हैं। क्या आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? भगवान विष्णु कुछ पल मौन रहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और जटिल है। इसके उत्तर को ठीक से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आधी अधूरी जानकारी सदा भ्रामक होती है, इसलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सुनना। माता लक्ष्मी ने गंभीरता से सिर हिलाया और भगवान विष्णु की कथा सुनने के लिए ध्यानमग्न हो गई। भगवान विष्णु ने कहानी आरंभ की और कहा, यह बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का एक सच्चरित्र और निष्ठावान नौकर था। उस नौकर की पत्नी एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। वह अपने धर्म का पूरी निष्ठा के साथ पालन करती थी और किसी भी परिस्थिति में अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण में कमी नहीं आने देती थी। नौकर अपनी पत्नी की पवित्रता और चरित्र की प्रशंसा करते नहीं थकता था। वह राजा के दरबार में अपने पत्नी की पतिव्रता का गुणगान करता था। यह सुनकर एक दिन राजा के मन में जिज्ञासा जागी और उसने उस नौकर को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी सच में इतनी पवित्र और पतिव्रता है? क्या वह किसी अन्य पुरुष की ओर ध्यान नहीं देती? नौकर ने राजा के सामने नतमस्तक होकर पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, मेरी पत्नी एक सच्ची पतिव्रता है और उसका चरित्र अत्यंत पवित्र है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। राजा का महामंत्री, जो इस बात से सहमत नहीं था, नौकर के इस दावे पर संदेह करने लगा। उसने नौकर को चुनौती दी और कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दूं, तो क्या तुम अपनी बात पर अडिग रहोगे? नौकर ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है कि यदि आप उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दें, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दें। किंतु यदि आप असफल रहते हैं, तो यह शर्त रहेगी कि आपको फांसी दी जाएगी।
राजा के दरबार में इस चुनौती को स्वीकारते हुए सभी मंत्रियों ने इसका समर्थन किया। महामंत्री ने एक योजना बनाई। उसने उस समय की एक प्रवीण दूती को बुलाया जो अपनी चतुराई और कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थी। दूती को असली मकसद बताकर और उसे धनधान्य का प्रलोभन देकर महामंत्री ने उसे नौकर की पत्नी के पास भेजा। दूती ने नौकर की पत्नी को अपनी चतुराई और मीठी बातों में फंसाया। वह उस पर स्नेहभाव दिखाने लगी और स्वयं को उसकी दूर की मौसी बताने लगी ताकि उसकी पत्नी उस पर सहजता से विश्वास कर सके। कुछ ही दिनों में दूती ने नौकर की पत्नी के घर आना जाना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के बहाने बनाए और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने में सफल हो गई। दूती ने नौकर की पत्नी के साथ बातचीत के दौरान उसके निजी जीवन की बातों को गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने यह भी पता किया कि उसके शरीर पर कहां कहां पर कोई विशेष निशान या तिल है ताकि बाद में उसका उपयोग प्रमाण के रूप में कर सके। दूती ने स्नान के समय एक बार नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल का निशान देखा और यह जानकारी महामंत्री को जाकर बता दी। महामंत्री ने इस जानकारी को प्रमाण के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत किया। उसने दावा किया कि उसने नौकर की पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया है। राजा ने इस प्रमाण को सही मानकर नौकर की पत्नी को दोषी ठहराया और उसे सजा देने का आदेश दिया। जब यह बात नौकर तक पहुंची, तो वह अत्यंत दुखी हो गया और अपनी पत्नी पर संदेह करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पतिव्रता धर्म और चरित्र की सच्चाई को साबित करने का संकल्प लिया। उसने राजा के दरबार में जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि वह दूती और महामंत्री के षड्यंत्र का शिकार हुई है। राजा को अंततः सच्चाई का पता चला और उसने महामंत्री को फांसी की सजा दी। नौकर की पत्नी ने अपनी पतिव्रता धर्म को बचा लिया और उसके चरित्र की सत्यता सिद्ध हुई। राजा ने नौकर को सम्मानित किया और उसकी पत्नी को सच्ची पतिव्रता मानकर उसकी प्रशंसा की। कहानी समाप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, इसी प्रकार जो स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं और अपने पति के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम रखती हैं, वे जीवन भर सुखी रहती हैं। जो स्त्रियां अपने पति का नाम बार बार मुंह से बोलती हैं, उनका पतिव्रता धर्म कमजोर हो जाता है और ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना यात्रा करती हैं या तीर्थ यात्राओं पर जाती हैं, वे मानसिक शांति और संतोष से वंचित रह जाती हैं। और एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति को कभी भी अपशब्द नहीं कहती, क्योंकि ऐसा करने से उसका धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट हुई और कहा, प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया है। आपके इन ज्ञानवर्धक वचनों से मेरे मन में उठ रहे सभी संदेह दूर हो गए हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो स्त्रियां सच्चे पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, उनके जीवन में सदा सुख और शांति बनी रहती है। उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है और वे सदैव समृद्ध रहती हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु का आभार प्रकट करती हुई उनके साथ दिव्य लोक में लौट गई। आशा है कि इस कहानी से आपको पतिव्रता धर्म की महिमा और सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति का महत्व समझ में आया होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन साथी के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम ही एक खुशहाल और समृद्ध जीवन का आधार होते हैं। जिस तरह भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया, उसी प्रकार यह ज्ञान हमारे जीवन में भी सच्चे संबंधों और नैतिक मूल्यों की अहमियत को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, और जल्द ही हम एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ फिर मिलेंगे।